अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम लोग जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यूईटी पिशावर कैंपस के अंदर ओपन हुए फॉर 2024 के एडमिशन का आगाज हो चुका है। अब उसमें अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये सारी बातें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब स्कॉलरशिप एडमिशन तमाम लेटेस्ट अपडेट विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। यहाँ पे हमारे सामने बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस डेटा साइंस के भी एडमिशन ओपन है। अप्लाई का तरीका का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीस स्ट्रक्चर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की जॉब स्कॉलरशिप्स और एडमिशन की तमाम अपडेट भी द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ए टू जी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, अप्लाई से लेके बैंकिंग चलान और रोल स्लिप तक आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी कॉन्टैक्ट कीजिए 03012027670 और तमाम इन्फॉर्मेशन को फुली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाएं। यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है जिसके अंदर 13 मई से लेकर 28 जून तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाफिज़े कुरान का जो टेस्ट है वो 2 जुलाई को होगा। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 5 जुलाई को होगी। एडमिशन इंटरव्यू के लिए जो है 8 जुलाई से 9 जुलाई तक है। डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 10 जुलाई को होगा। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट सेक्टर की वेल नाउन यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और अर्थ वाइल्स फाटा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथ्स एज सब्जेक्ट और हैव अटेन एटलीस्ट 50% एडजस्टमेंट मार्क्स। इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अबव अटेन एटलीस्ट 50% मार्क्स एडजस्टेड मार्क्स। ठीक है, रिजल्ट वेटेड कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन। कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंटी टेस्ट फ्रॉम अबव प्रोग्राम्स ओनली। अबव जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके लिए जो है वो टेस्ट कंडक्ट नहीं है। 40% मैट्रिक की कैलकुलेट किया जाएगा, 60% आपके 81 के मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा और 2500 का चालान है जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च आउट करते हैं यूईटी पेशावर। तो आप लोग क्या करेंगे, यूईटी पेशावर की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे वेबसाइट पे जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी जिसके ऊपर तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे, फीस स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल होगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो क्या करेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपने फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिलअप करेंगे और फॉर्म के साथ साथ अपना फीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे, अपने जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे और साथ साथ अगर कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी तो उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा लाजमी है तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेरे सामने वेबसाइट ओपन हो गई है तो यहाँ पे आपने एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे एडमिशन नोटिस भी अवेलेबल है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एडमिशन टैब पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे भी इनकी बाहर चल रही होती है, आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे फॉर 2024 मतलब पुराना जो डाटा मेंशन है वो भी आपके सामने क्यों आना है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके क्लिक आउट करेंगे और क्लिक आउट करने के बाद आप कुछ देखेंगे और एडमिशन के टैब के ऊपर जाके एडमिशन को फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसा कि अभी मेरे सामने थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी अगर लिंक देंगे तो यहाँ पे हमें लिंक गिवन होगा जिसके थ्रू हम लोगों ने अप्लाई करना है। आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे पेशावर कैंपस की। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं कि एंटी टेस्ट के हवाले से भी बताया जाए तो एंटी टेस्ट इसका नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं कि नो एंटी टेस्ट रिक्वायर्ड। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाती है और इंटरनेट के स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रॉपरली तरीके से देखेंगे और प्रॉपरली तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही फॉर्म हमारे सामने ओपन होता है तो आपने सबसे पहले बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, उसके बाद अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। देन जिस दिन आपको इंटरव्यू होगा आपसे कुरान का उस दिन बुला लिया जाएगा आपको और मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है। तो आप लोग क्या करेंगे, सक्सेसफुल इसमें फॉर्म फिल करके उसका वेट करेंगे और अपनी ईमेल और बायोग्राफिकल डाटा वही मेंशन करना जो आपके यूज में हो। बाद उसका कैंडिडेट्स किसी थर्ड पर्सन का डाटा लगा देते हैं जिसके वजह से उनको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलता और सारा कुछ नहीं। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की टैब पे क्लिक आउट करेंगे और एडमिशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से आप एक्सेस कर सकेंगे। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जजाकअल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।